तो आपने ड्रोन ड्रोन गेमिंग के बारे में दुनिया जान कितनी बार सुना होगा, साथ ही साथ आपने कई बार इन्हें देखा भी होगा। बात करते हैं आखिर ड्रोन होते क्या है और ये काम कैसे करते हैं और इन्हें इंडिया में उड़ाने के लिए आपको क्या क्या लाइसेंस की जरूरत होती है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान भारत, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रोन होता क्या है। ड्रोन एक वो मशीन है जो अगर आप उसे हवा में उड़ा सकते हैं, साथ ही साथ उसके जरिए आप किसी सामान को सप्लाई कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके खेतों में आपको स्प्रे करनी है तो वो भी कर सकते हैं, या फिर कोई और जरूरी काम हो आप वो भी कर सकते हैं। ये होते हैं ड्रोन। ड्रोन एक उड़ने वाली मशीन होती है जिसे आप उड़ा सकते हैं। साथ ही साथ ये कई ऑटोमेटिक भी होती है, मगर कई ज्यादातर होती है उन्हें आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बात करें कि ये कहाँ पर काम आती है, तो मान लो अगर आपको कोई हाई एंड वीडियोग्राफी करनी हो, यानी कि किसी ऐसी जगह पर वीडियोग्राफी करनी हो जहाँ पर आप आसानी से नहीं पहुँच सकते, वहाँ पर आप इन ड्रोन को पहुँचा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कहीं पर कोई सामान जल्दी डिलीवर करना हो, जैसे कि अमेज़न ने यूएसए में शुरू की अपनी एक प्रोजेक्ट जिसके जरिए वो लोगों को सामान ड्रोन के जरिए सप्लाई कर रहे हैं। और बात करें कि ड्रोन में और कहाँ कहाँ काम ले सकते हैं, अगर ड्रोन आपको सिक्योरिटी यानी कि इमरजेंसी एम्बुलेंस के जरिए भी काम ले सकते हैं। बड़े ड्रोन आ चुके हैं जिनके जरिए आप किसी पैसेंजर को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचा सकते हैं। ये होते हैं ड्रोन। अब बात करें कि ड्रोन काम कैसे करते हैं। ड्रोन में आप नीचे एक छोटे से ड्रोन की बात करें तो उसमें एक बैटरी लगी होती है, साथ ही साथ उसमें एक जीपीएस रिसीवर लगा होता है जिसके जरिए वो लोकेशन भेजता है कि इस वक्त यहाँ पर है। आप उसे अपने रिमोट के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें पंखे लगे होते हैं जिन यानी कि उसकी जितनी कैपेसिटी है, यानी जितना उसका वजन है उसी के हिसाब से उसमें कई सारे फैंस लगे होते हैं, उनके जरिए वो उन्हें कंट्रोल किए जाते हैं। और अब बात करें कि कई जो कैमरा ड्रोन है उसमें अगर आप सोचने होगी इसकी मेमोरी कहाँ पर से होती है, तो उसके अंदर कैमरा ड्रोन होते हैं उसके अंदर आप वाईफाई के जरिए मोबाइल में डेटा रिसीव कर सकते हैं। अगर बात करें उसके अंदर भी इनबिल्ट स्टोरेज होता है, यानी कि आप उसके अंदर मेमोरी कार्ड ला सकते हैं जिसके अंदर वो डेटा स्टोर होता है, बाद में उसे निकाल सकते हैं। अगर बात करें कि ड्रोन कैमरे की रेंज कितनी होती है, एक ड्रोन कैमरे की रेंज उसके वाईफाई पर डिपेंड करती है कि उसका वाईफाई रिसीवर कितनी स्पीड से डेटा भेज रहा है, जो बीच में मीडियम है वो कैसा है, बीच में कोई दीवार है या फिर कुछ और है उसके हिसाब से। और तीसरी बात करती है वो जो रिसीव कर रहा है उसकी रिसीविंग स्पीड कितनी है। ये तीन डिपेंड करती है वाईफाई की यानी ड्रोन कैमरे की रेंज पर कि वो कहाँ तक जा सकते हैं। और बात करें कि नॉर्मल ड्रोन कैमरे की बैटरी लाइफ कितनी होती है, एक ड्रोन कैमरे की बैटरी लाइफ लगभग 40 मिनट होती है। जो DJI की कंपनी के आते हैं उनकी बैटरी लाइफ आपको 40 मिनट देखने को मिलेगी। अब बात करें कि ड्रोन कैमरे की लगभग कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं, इस ड्रोन की क्षमता पर डिपेंड करते हैं कि वो कितनी ऊंचाई पर जा सकते हैं, यानी कि अगर बड़े ड्रोन है तो वो काफी ऊंचाई तक जा सकते हैं, उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। ये होते हैं ड्रोन कैमरे। मुझे उम्मीद आपको पता चल चुका होगा ड्रोन क्या होते हैं और ये क्या क्या काम लिए जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।